वेरी वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक पल्सर 150 में इंस्टॉल आरसी केटीएम के जो इंडिकेटर हैं एक्चुअली वो टूट गए थे, तो आज मैं उसी को रिपेयर करके दिखाने वाला हूं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि मेरा जो तरीका होगा सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही अलग होगा, सबसे डिफरेंट होगा। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मेरा तरीका बिल्कुल ही अलग होगा, आपको पूरे YouTube पर इस तरह की वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। अब आप ना करते चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करते हैं, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अक्सर टूटते क्यों है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब कंपनीज ये इंडिकेटर बनाती है तो इस साइड तो हमें ये नट बोल्ट दे देती है कहीं भी इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन वहीं इसकी और इसकी पकड़ के लिए कोई भी स्ट्रेंथनेस, कोई भी मजबूती, किसी भी तरह की लोहे का या स्प्रिंग का कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ये बार बार टूट जाते हैं। देखिए मेरे पुराने इंडिकेटर हैं ये भी कई बार मैंने इसको एलपी लगा लगा के चिपकाया, बट रबड़ होने की वजह से ही ये कट जाते हैं, टूट जाते हैं। चीज़ मैंने इससे बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, वो समस्या ही इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब इसको इसके टूटने का डर बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि इस साइड से लेकर के ये यहाँ तक इसमें पूरा लोहे का सपोर्ट है और बीच में ये स्प्रिंग है, ये देखिए देख सकते हैं ये पूरा फ्लेक्सिबल भी हो गया है ख्याल से इसका। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपकी बाइक में भी LED इंडिकेटर हैं ये KTM वाले आपने इंस्टॉल किए हुए, तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये इस जगह से क्रैक हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है इसका ये ओरिजिनल पार्ट, ये जो क्रैक हो गया था, और ये है इसकी वो रबर, ये देखिए है ना। ये कंपनी कहती तो है कि फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक दो बार फ्लैक्स होने के बाद में ये टूटने लगते हैं। ओके, रीज़न क्या है? रीज़न इसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई स्प्रिंग जैसा अगर इसमें सपोर्ट होता तो ये नहीं टूटता। कल एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने अपनी शॉप के बाहर में अपनी बाइक को खड़ा कर रखा था, तो किसी ने झटके से आकर के इंडिकेटर के साथ में अपना कोई बॉडी पार्ट या कुछ मारा होगा, जिसकी वजह से मेरा इंडिकेटर ये यहाँ से टूट करके मेरे हाथ में आ गया, मतलब टूट के गिर गया, बिल्कुल ही अलग हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मैं इसे कैसे जॉइंट करूँगा, कैसे जोड़ूंगा। तो मैंने YouTube पे बहुत सी वीडियो भी देखी, तो बहुतों ने यहाँ से इसको खोल रखा था इस जगह से। तो दोस्तों अगर हम इस जगह से इसको खोल देते हैं तो इसकी जो वाटरप्रूफ की स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो वाटरप्रूफ ये जिस तरीके से बनाया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है, ये वाटरप्रूफ है, तो अगर इसके अंदर पानी चला गया तो फिर ये इंडिकेटर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने तरीका सोचा कि अगर इसके अंदर इस जगह पर स्प्रिंग आ जाए, ये देखिए इसके अंदर आप गौर करेंगे तो ये स्प्रिंग की तारें आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखिए ये स्प्रिंग है इसके अंदर, ओके, तब ये फ्लेक्सिबल भी हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे, ओके। और मैंने क्या किया फिर मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया है। इसकी रबर को बिल्कुल सटा के कट कर लिया है और तारों को अपने बचाते हुए कट किया है, और इसको थोड़ा थोड़ा सा और इसमें अंदर मैंने गहराई से कट किया है। अब ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये मेरे को जैसा कि मैं बता नहीं सकता ये कहाँ मिला, लेकिन मुझे मिल गया। तो मैंने इसको जब जलाया मुझे लगा कि ये इतनी बड़ी अगर मेरे को ये वो ये चीज़ मिल जाएगी दोनों तरफ से, चूड़ी वाली और बीच में हॉल वाली, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने जब इसे जलाया तो इसके अंदर जलाने के बाद में, मैं आपको जलाने का भी प्रोसेस दिखाता बट मैं वो जला के दिखा नहीं पाया आपको, तो जलाने के बाद में मुझे इसके अंदर स्प्रिंग वाली ही ये चीज़ मिली। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखिए है ना, इसके अंदर ये स्प्रिंग है, ओके, और ये स्प्रिंग इस वाले हिस्से से बेल्ड है। ये मैं बेल्डिंग आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको बेल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये देखिए बेल्डिंग का टांका है, ये बेल्डिंग हो रखी है, और इसी तरीके से इस साइड से भी हो रखी है, ये देखिए देख सकते हैं। तो मुझे यही समझ में आया, मैंने इसको कट किया और इसमें थोड़ी सी हल्का गैप बनाया, और गैप बना करके मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं इसको चूड़ी में चढ़ा देता हूँ तो ये मेरी मजबूत हो जाएगी, ये कहीं निकलेगी नहीं, और इसको अगर मैं इस किसी रबड़ से कवर कर देता हूँ तो ये रबड़ भी मुझे स्क्रैप बायर के पास में मिल गया है, और ये भी मुझे स्क्रैप बायर के पास ही मिला था, ओके। तो इसको जब मैंने जलाया तो मुझे वो स्प्रिंग वाला मिल गया, और ये रबर बिल्कुल ही एक लाइक ट्यूब जैसे होती है हमारी, उस ट्यूब के रबर जैसी है, देख सकते हैं आप, ये खींचने लायक है और ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है, ये देखिए देख सकते हैं आप, ये देखिए, ओके। अब मैंने क्या किया, जब मेरी ये वायर टूट गई तो वायर को मैंने सोल्ड करके जोड़ लिया है, और इसमें ये वाली हीट श्रिंक ट्यूब लगा करके इसको मैंने कवर कर लिया है, ओके। तो वाटरप्रूफ हमें कैसे बनाना है, उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें एलपी की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में मैंने ये लिए हैं दो रबर के वॉशर्स, ओके।
तो चलिए सबसे पहले मैं एलपी का यूज़ कर आराम से मैं इस तरीके से करके इसके अंदर एलपी की कुछ बूंदें डालूंगा। अब इसको थोड़ी देर हम सूखने देते हैं। अब इसी तरीके से हम इस पर भी कर लेते हैं दोस्तों। ओके, अब इसे भी सूखने देते हैं। देख सकते हैं हमारा दोस्त ये सूख चुका है, थोड़ा मोड़ा रह गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये टपकेगा नहीं। ओके, अब इसी तरीके से हम इस साइड भी कर लेंगे दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों इस पे ही मैंने लगा दिया है। अब इसी तरीके से मैं अपने इस वाले पे भी लगा लेता हूँ। दोस्तों अब आती है बारी इसके सेकंड राउंड की, जो इसको और ज़्यादा वाटरप्रूफ कर देगा और ज़्यादा बेस्ट कर देगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसमें भी अब हम मुझे लगता है हमें इसी का ही यूज़ करना पड़ेगा, और वो कैसे करता हूँ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको हम दोबारा से अपने ऐसे टाइट कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल सीधा करके। अब इसमें हम एलपी का ही यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा और अच्छा भी रहेगा। अब उसी तरीके से हम फिर इसको भी कर लेते हैं। और इसको रख देते हैं सूखने। दोस्तों ये तो था प्रोसेस इसकी रिपेयरिंग का। ओके, अब इसकी आती है बारी इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो फाइनल दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।